I say like no, they are teasing us like chinky chinky. ऑल राइट, तो अभी हूँ मैं आइजोल द कैपिटल ऑफ मिजोरम, क्योंकि अपना जो पर्स था वो अब तक आ नहीं रहा है वहाँ से, और उसकी वजह ये है कि वो जो दीदी थी उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, और आज फ़ोन लगा तो पता चला कि वो आए हुए हैं आइजोल में। यार उनको पता था हम आइजोल में बैठे हैं, तो वो लेके भी आ सकते थे, बट इतना दिमाग उनका नहीं चला, तो अभी बात हुआ उनसे, वो कल अपना पर्स किसी सुमो गाड़ी में वहाँ से यहाँ पे पहुँचा देंगे। तो फाइनली वो वाला मामला तो अपना शॉर्ट आउट हो गया। और इनकी बालकनी से जो आइजोल शहर है वो कुछ ऐसा दिखता है भाई, माशा अल्लाह, हाय 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 हाय। और यार मिजोरम में मैंने काफ़ी घरों पे एक चीज़ अलग देखी जो बाकी नॉर्थ ईस्ट में मेरे को नहीं दिखी, यहाँ पे ये लोग पालते हैं डक्स, नहीं तो मुर्गी का हो गया ना। मेरे को पता नहीं यार, मैंने ना तो बतख को लोगों को खाते हुए देखा, और शायद ये ऑमलेट भी मुर्गी का ही अंडे का बनाते हैं, बट ये किस लिए रखते हैं? और बाहर की तरफ चल रहा है बैडमिंटन का मैच, किस चीज से? मेरे को आपका रैकेट देता, रैकेट हम भी खेलता, तुंगे ई हमिंग, तुंगे हमिंग लाई डांस डांस लाइक दिस दिस। हम चढ़ाता गो, या हम छोड़ता, शटल ऊपर चला गया यार, जंप Yeah. All right guys, तो आज टाइम आ गया आइजोल को छोड़ने का, मगर उससे पहले मैं जा रहा हूँ अपने होस्ट की मम्मी से मिलने के लिए। एक्चुअली उनका क्या है कि सुबह सुबह बागान में निकल जाते हैं, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो मैं सोचा यार उनसे तो मिल लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना डायरेक्ट निकलना। ये कैसे खुलेगा भाई? ये तो लॉक नहीं है। नहीं 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 लॉक नहीं है, अंदर से नहीं होगा, वो लोग आ रहे। अरे हम कर तो सकता लेकिन करना नहीं चाहता, हमारा हाथ देखो कितना लंबा होता। बकरी बकरी तो खरीद करने का दिल होता नहीं, नहीं होता है आप लोग का? होता है, लेगा तो ठीक है। तो भाई आंटी के बगल में काम करता है, हमें देख के ये सोच रहा है कि ये बकरी खरीदने के लिए आया है। हम क्या करेगा लेके, बस में लेके जाएगा क्या इनको? ठीक है। हम नहीं लेके जा सकता, सॉरी। ये भी अपने आंटी का बागान जिसके अंदर बना रखा है इन लोगों ने एक छोटा सा अपना घर, क्योंकि बारिश वगैरह बहुत होता है ना, तो बारिश के टाइम में काम करता करता है इसके अंदर छुप जाता है। हेलो आंटी, कहाँ पे होता आंटी? आंटी आंटी हिंदी मालूम? हिंदी हिंदी मालूम। बेबी मदर वेयर इज देयर? कुदम कुदम। ओए ब्लैकी वाइटी, तुम भी बगान में आता? ब्लैकी का शक्ल देखो यार, इसका माँ था वो पग था, और बाप था वो गली का था। हाय, आ गया आंटी, आस्तावन नहीं गया। अच्छा काम करता आप, गाना चला के काम करता? मन कर दो फिर बकरा निकलेगा, बकरा निकल जाएगा। आंटी हम आपसे मिलने को आता, अभी हम जाता। किधर किधर जाता? सिलचर। ओ पर्स मिल गया? अभी तक नहीं मिला। हाँ पर्स मिल गया, पर्स मिल गया। वॉलेट? हाँ वॉलेट मिल गया। मेरे को सुना बस मिल गया। अभी कितना बजे जाएगा? अभी मैंने बात किया था, वो बोला शाम को जाता ट्रक। रुक जाओ आज। हाँ कल में जाऊँ। कल में क्या होगा, जाना तो पड़ेगा आंटी, जाने तो पड़ेगा। कल में जाऊँ इसको यहाँ पे जो दारू बनता ना उसके अंदर इसको काम में लगाएगा मैं, अच्छा है ना? 20-25 हजार रुपए कमा लेगा, फिर घूमेगा। दारू बनाने में आता है नहीं आता है? सीख जाएगा। बंगाली आदमी कहाँ दारू बनाएगा। हाँ लेकिन सीख जाएगा, धीरे धीरे करेगा तो ना। आंटी ये क्या होता? मकई। अच्छा मकई ऐसा होता? हमारे उधर बाजरा लगता ना जो, वो भी ऐसा ही होता, जो काली वाली रोटी बनाता ना। हाँ। दाल बाटी नाम सुना है आपने?
सुना। राजस्थान में होता, जैसे गेहूं की रोटी होता वैसे बाजरे की होता, उसका भी ऐसा ही होता। अच्छा आंटी, यहाँ पे आइजोल में नेपाली लोग कब से रहता? बहुत साल हो गया। आपका जन्म कहाँ पे? यहाँ पे हुआ था? हुआ था। अच्छा। लुंगलाई में हुआ हमारा जन्म। अच्छा। हमारा बाबा सिपाही था ना। और जो आपके घर के सामने वो प्लेट लगा है द सेल्वेशन आर्मी, वो क्या होता? चर्च। ये जैसे बैपिस्ट होता, प्रिस्बेरियन होता, वैसे ही या सेल्वेशन आर्मी होता? अच्छा। पीड़ा में बैठा, इसको आप पीड़ा बोलता? हम भी पीड़ा बोलता राजस्थान में। और आपका जो बच्चा लोग है वो सभी क्रिश्चियन को फॉलो करता? हमारा पूरा बच्चा 13 ठो आए। हमको मालूम है। 3 ठो क्रिश्चियन में गया है, 3 ठो हिंदू आए, और उसका पिताजी क्रिश्चियन है। आंटी आपके 13 बच्चा होता, आपको उनका नाम याद होता सबका? होता है। हाँ कि नहीं? कल्पना, कविता, राजू, अजय, बिंदिया, रंजिता, लक्ष्मी, संजू, और ये अभी वाला जो सोनिया आपको लेके आया था ना, उसका नाम सोनिया बेबी। हाँ, बेबी का सोनिया 9 हो गया। तब पीतमा 10। तब अभी मोई मोई को तो रीता बोलता है 11। हाँ, और अभी छोटा वाला उधर में आए, वो तोंग तोंग बोलता है, रीता बोलता है। ओके, 12। हाँ, 12। एक और रह गया छोटा, वो क्या बोला हो? ओए, हम भी भूल गया। छोटा लड़का इशाक। ओके। इशाक का नाम, हम नेपाली नाम भी रखा था उसका, अजीत बोलता था हम। अच्छा अच्छा सबको नेपाली नाम रखा है। और सोनिया का सोनिया बोलता है, बाबा ने भी वो लोग को जात कर रखा है। आयरिन जोथन सांगी है। अच्छा। बेबी का नाम, और वो एक लड़की ने बोला इसको बेबी बोलाएगा बोल के बोला था, छोटा वाला पैदा होने का बोला। अच्छा। उसने बेबी बोला है, तब उसी से बेबी बेबी बेबी। और फिर सबसे बड़ा वाला का क्या बोलता है उधर में? डार्लिंग डार्लिंग, सब डार्लिंग बोलता है। पुराना आदमी डार्लिंग बोलता है। आप लोग के ऐसे होता ना, जैसे आपके 13 बच्चे तो कोई भी ऐसे फ्री नहीं बैठा, सब अपना अपना काम करता है ना? हाँ, काम करता है। 2006 में लिया ये बगान भी है हम लोग। अच्छा, जब घर बनाया था तभी? हाँ। कितना पैसा का लिया था उस टाइम पे? उस टाइम में तो बहुत कम था ना, 2,50,000 बोला है, बाद में नहीं लेगा बोला तो 50,000 में दिया। ओनली 50,000 में? हाँ। और अभी कितना में होता? अब भी तो आदमी लोग इतना में मांगता है, 20,00,000 में भी मांगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे राजस्थान का आदमी यहाँ पे जमीन ले सकता है नहीं ले सकता? जमीन पता नहीं, आप इंडिया का सिटीजन होने से तो सब। हाँ, इंडिया का तो होता, लेकिन यहाँ पे ILP वगैरह कुछ ऐसा लगता तो मेरे हिसाब से नहीं ले सकता। नहीं, वैसे मेरे को लगता है मैं लीज पे ले सकता, ऐसे खरीद नहीं सकता। हम लोग नेपाली का भी पहला एक बार तो बंद किया था ना अपना नाम से। अभी सेंसस मालूम है? सेंसस बोर्ड। हाँ, सेंसस में नाम नहीं होने से वो पट्टा पास नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, टैटू आपने खुद ने बनाया? हम रेजिमेंट में पहले में हम फौजी रेजिमेंट में हम पास हुआ हो चुका था। कौन सा? असम रेजिमेंट। असम रेजिमेंट में? अच्छा। लेकिन ये बना के हम डॉक्टर में फेल हो चुका। और भाई नॉर्थ ईस्ट में टैटू बनाने का क्रेज कितना है मैं क्या बताऊं आपको, कुछ भी बना लेंगे, चिड़ी, कबूतर, सांप, कुछ भी चलेगा, लेकिन टैटू आपको मिलेगा भैया हर बंदे के शरीर पे। तो अभी आंटी आ रहे हैं अपने साथ में हमें ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि अच्छे इतने यार। वैसे तो ये बागान से घर पे लौटते हैं रात को 6-6:30 बजे, क्योंकि रात यहाँ पे 6 बजे हो जाता है भाई, जो अपने 8 बजे होता है। हेलो चिबाई, चिबाई नो, व्हाट इज दिस वाइटी? यार ब्लैकी तो आ गया, वाइटी अंदर रह गया। आजा 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 वाइटी, भागे भागे भागे, चलो चलो अंदर, क्यों रख गया तू? चलो, ये क्या होता आंटी? इसका भी सब्जी बनता? इसका खुशबू आता है। अच्छा, लेकिन आप लोग अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हमें तो ग्रीन हरा सब्जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है? चटपटा मंगता। चटपटा क्या है? मतलब कुछ स्पाइसी वाला। आप लोग तो सिर्फ बॉईल करके बनाता ना? हाँ, बॉईल करके। ये क्या होता भाई साहब? व्हाट इज दिस? टू किल चिड़ी? आई थिंक इन केनेपा। केनेपा? कैन यू शूट देयर ऑन हिज हेड? हेडशॉट? कुछ नहीं समझता भाई यार, यहाँ का यही प्रॉब्लम होता है, आप लैंग्वेज बैरियर।
इशारों से जितना बात कर सकते हो आप। मैम तो अभी हम बात करते हैं मिजोरम के हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये आता था आसाम के अंडर, लेकिन जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट था वो आसाम के अंडर रह के खुश नहीं था। व्हाई? बिकॉज वो लोग नो इंडिपेंडेंस लाइक सेपरेट कंट्री होना चाहता है मिजोरम। तो आसाम जब रूल करता था पूरा आसाम का एरिया था तब आपको क्या प्रॉब्लम था आसाम के अंदर में? उस बारे में तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ। वही तो द प्रॉब्लम था, दे वांट टू बी सेपरेट एंड देन इंडिपेंडेंट, दैट्स द रीजन, एंड दे डोंट वांट टू स्टे अंडर द इंडियन ना, नॉट अबाउट द असम, ऐसे था। और फिर आपका जो आदमी था मतलब 1947 से 72 तक आसाम के अंडर में था, फिर 72 के बाद यूनियन टेरिटरी बना था। आपका ये जो आर्मी बना था मिजो का क्या नाम था? मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF। फिर MNF में इंडियन गवर्नमेंट से फाइट किया? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट और पूरा इंडिया को ओनली मिजोरम पीपल। ओके, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने आपको अलग स्टेट कब बनाया? 1986 आई थिंक आफ्टर पीस अकॉर्ड ना 1987 आई थिंक समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ बट पीस अकॉर्ड इज 1986 ओके हुआ था, साइन हुआ था। एंड आपके पापा भी तो इस आर्मी में थे ना, तो इनके बेस कैंप्स कहाँ पे होते थे? मिजोरम के बॉर्डर के ऊपर या कहाँ पे? कोई तो बांग्लादेश में होता है, कहाँ कहाँ पे म्यांमार में भी होता है कोई। अच्छा, इंडिया से बाहर में होते थे बेस कैंप्स? इंडिया के अंदर नहीं हो सकता है ना। और इन लोगों को जो मतलब हथियार वगैरह थे वो कहाँ से मिलता था? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से, और कोई चाइना से भी लेके आता है। चाइना से भी लेके आता है। फिर 87 में जब आपको डिफरेंट स्टेट का दर्जा दे दिया उसके बाद सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया? सब लोग नहीं, कोई लोग तो है जो एग्री नहीं कर रहा था। अच्छा, जो सरेंडर नहीं करता है, जो मतलब अलग स्टेट बनाने से भी खुश नहीं था, उसको अलग कंट्री मांगता था। कुछ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हमारा लीडर जो है ऑलरेडी सरेंडर हो गया, मींस पीस अकॉर्ड साइन करने के लिए एग्री हो गया, तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपके लीडर का क्या नाम होता था? कुलल देगा। और जिन लोगों ने सरेंडर किया था उन लोगों को कुछ जॉब वगैरह प्रॉफिट वगैरह मिला था? गवर्नमेंट ने उनको लाइक कंपनसेट जैसा, लाइक यू नो दे गिव मनी एंड फॉर द लाइफ सेटल करने के लिए जॉब देता है गवर्नमेंट जॉब। और मेरे को आप एक और बात बताओ, जब आप जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हो इंडिया के प्लेन्स एरिया में जाते हो जैसे दिल्ली मुंबई, तो आपको वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है? इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, पर क्या है, हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट है उधर का लोग तो कैसे देखता है तो आपको पता होगा। ऐसे ही लाइक नो दे आर टीसिंग आर लाइक चिंकी चिंकी, उधर लोग तो ना दे लुक डाउन ना, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट लड़की लोग ज़्यादा बाहर काम करता है इधर से दूसरा स्टेट में, सो दे लुक डाउन, बट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ दैट। ज़्यादा लोग होता है लाइक यू नो नागालैंड साइड लोग गुस्सा हो जाता है यहाँ पर, इधर का लोग तो वी डोंट केयर। हाँ, मैं जो लोग तो गुस्सा होना जानता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जब मतलब हम लोग इधर नॉर्थ ईस्ट में आता है तो कितना अच्छा ट्रीट करते हो आप लोग हमें, रियल में ऐसा कहीं पे फील नहीं होता जैसा नॉर्थ ईस्ट में आके फील होता है। मेरे को इनके घर पे बैठे हुए 6 दिन हो चुके हैं आज, 6th डे ना, और इनको पता भी नहीं 6th दिन है या कौन सा दिन है, बट जब प्लेन्स में लोग आते हैं तो हम ऐसा बिहेव करते हैं, इट्स नॉट फेयर। आप एक बार नॉर्थ ईस्ट में आके देखो, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके देखो, देन यू विल नो दैट आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो थोड़ा सा ऐसे हो गया तो आप लोग भी ऐसे फील होगा ना लाइक शी इज नॉट गुड एंड नॉर्थ ईस्ट लोग तो ऐसे ऐसे है, ये करता है वो करता है, ऐसे सब ऐसे सुनने के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसे बोल देता है ना। बट रियल में ऐसा होता है यार, नॉर्थ ईस्ट की जो सोसाइटी वो काफी ओपन माइंडेड है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता काम छोटा है या बड़ा है, मतलब वर्क इज वर्क। उसका फेस बहुत लाइक दे आर रियली ओपन माइंडेड, लड़का लड़की कोई भी यहाँ पे काम करता है, बेला कोई नहीं रहता। आपने जैसे घर पे बड़े बड़े मजे लेते हैं 20 साल 25 साल के भी हो जाते हैं, बट ये लोग मोस्टली
आपको 18 साल से ऊपर जितने भी मिलेंगे सब पर्सनल आपका काम करते मिलेंगे, है ना अलोरा? से हेलो, हेलो, से हेलो, से चिबाई, 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 से हेलो, टाटा, टाटा, से लाइक दिस, 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 दिस. Made a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.